नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र सिंह, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय नागौर, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जैसा कि अपन ने पिछले चैप्टर में देखा था कि फ्लाईव्हील का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है, वो कहाँ पे काम में आती है, अब अपन फ्लाईव्हील की डिज़ाइन करेंगे। फ्लाईव्हील की डिज़ाइन में देखिए, इट हैज़ बीन डिस्कस्ड इन द प्रीसीडिंग सेक्शन द फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी रिजल्ट्स इन। अब देखिए होता क्या है कि जो एनर्जी का फ्लक्चुएशन होता है उसकी वजह से आपकी स्पीड भी फ्लक्चुएट करती है, क्रैंकशाफ्ट की स्पीड फ्लक्चुएट करती है, जिससे आपकी काइनेटिक एनर्जी फ्लक्चुएट करती है। काइनेटिक एनर्जी के होती है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। बट द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी इन द स्पीड इज डिटरमाइंड बाय द पर्पज ऑफ इंजन टू बी यूज, ठीक है। देयर फॉर कीप द मैक्सिमम, तो अपना काम जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड को कम करना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जो स्पीड का अंतर होता है, एक इंजन जो पावर देता है उसमें जो स्पीड का अंतर होता है उसको कांस्टेंट करके जीरो करने की कोशिश अपन करते हैं एक स्पेसिफिक लिमिट में, ठीक है। तो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी को आप कम करना चाहोगे, वो किससे किया जाता है, फ्लाईव्हील से किया जाता है। फ्लाईव्हील करती क्या है, जिस सेक्शन में आपको पावर नहीं मिलती उसके अंदर फ्लाईव्हील पावर देती है, जिस सेक्शन में ज़्यादा मिलती है उससे कुछ पावर खुद ले लेती है अपने पास, और जब ज़रूरत होती है तो दे देती है। तो फ्लाईव्हील क्या है, एक एनर्जी रिजर्वायर है। अब देखिए मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए फॉर ए आईसी इंजन, आपको यहाँ पे ओमेगा वन और ओमेगा टू दो स्पीड दे रखी है, जिसमें ओमेगा वन ज़्यादा है और ओमेगा टू कम है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे देखेंगे काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज आएगा वो क्या होगा। देखिए आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो फ्लाईव्हील दे रखी है, ओमेगा वन मैक्सिमम स्पीड है, ओमेगा टू मिनिमम स्पीड है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, आप जानते हो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है, ठीक है। तो यहाँ से एम वी स्क्वायर से आप वी बराबर ओमेगा आर होता है, एम ओमेगा स्क्वायर होगा, इसको अपन आई ले लेंगे, ठीक है। तो फाइनली आपके पास जो फॉर्मूला होगा काइनेटिक एनर्जी का हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी हाफ आई ओमेगा वन स्क्वायर, मिनिमम हो जाएगी हाफ आई ओमेगा टू स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों का जो अंतर होगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा के ई, जिसको अपन लिखेंगे हाफ आई ओमेगा वन स्क्वायर माइनस ओमेगा टू स्क्वायर, दोनों का अंतर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए डेल्टा के ई नीचे लिखा है ये फॉर्मूला हाफ ओमेगा वन स्क्वायर माइनस ओमेगा टू स्क्वायर। अब देखिए अपन ने मैथमेटिक्स में 10th क्लास में पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। उसी तरीके से अपन लिख लेंगे ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू कोष्टक में मल्टीप्लाई बाई ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू। इसके बाद में नेक्स्ट वन जो नीचे लिखा है कि ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू बाई टू क्या हो जाता है आपका, ये आपका हो जाएगा एवरेज, ये क्या हो जाएगा आपका, जिसको कहते हैं अपन ओमेगा मीन। ओमेगा मीन का मतलब होता है आपका एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड जो अपन को चाहिए। तो आपने क्या किया, इसके अंदर ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू बाई टू को एवरेज ले लिया आपने, ठीक है। तो इसके बाद में नीचे देखिए यहाँ पे ओमेगा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखा है ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू बाई टू, जिसको अपन कहते हैं ओमेगा या ओमेगा मीन। अब डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा आपका, फाइनली आई ओमेगा स्क्वायर इंटू के एस, ठीक है। के एस यहाँ पे क्या है वो देखिए, के एस जो होता है वो आपका यहाँ पे होता है फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड का कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो फार्मूला लिखोगे अपन फाइनल, वो आपका आएगा डेल्टा ई बराबर आई ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इंटू के एस, ये आपका फाइनल फार्मूला है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अपन को याद रखना है। ये थी डिज़ाइन ऑफ फ्लाईव्हील। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।